नमस्कार दोस्तों, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह अर्थव्यवस्था की आर्थिक शब्दावली प्रोग्राम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंकों के गवर्नरों की सूची। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर भारत के केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और इसके केंद्रीय निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी भारतीय नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार द्वारा 1935 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक 25 लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया है। इस लेख में हम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की सूची दे रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। गवर्नरों का नाम एवं उनके कार्यकाल। पहले नंबर पर है ओसबर्न स्मिथ। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक रहा है। दूसरे नंबर पर जेम्स ब्रैंड टेलर। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943 तक। तीसरे नंबर पर सी डी देशमुख। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक का रहा था। साथ ही चौथे नंबर पर है बेनेगल रामाराव। 1 जुलाई 1950 से लेकर 14 जनवरी 1957 तक इनका कार्यकाल रहा है। पांचवे नंबर पर हैं के जी अंबेगावकर। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957 तक। छठवें नंबर पर है एच बी आर आयंगर। इनका कार्यकाल 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962 तक। सातवें नंबर पर है पीसी भट्टाचार्य। इनका कार्यकाल 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967 तक। आठवें नंबर पर हैं एल के झा। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970 तक। नौवें नंबर पर हैं बी एन अदारकर। इनका कार्यकाल 4 मई 1970 से 15 जून 1970 तक। साथ ही अगले गवर्नर दसवें नंबर पर हैं एस जगन्नाथन। एस जगन्नाथन का कार्यकाल 16 जून 1970 से 19 मई 1975 तक 5 वर्षों का रहा था। साथ ही ग्यारहवें नंबर पर एन सी सेन गुप्ता रहे हैं। इनका कार्यकाल 19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975 तक। बारहवें नंबर पर के आर पुरी। इनका कार्यकाल 20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977 तक। तेरहवें नंबर पर एम नरसिम्हन है। इनका कार्यकाल 3 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक। चौदहवें नंबर पर हैं आई जी पटेल। 1 दिसंबर 1977 से 15 सितंबर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। साथ ही अगले गवर्नर हैं 15वें नंबर पर मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक, और यह एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और गवर्नर रह चुके हैं। 16वें नंबर पर हैं अमिताभ घोष। इनका कार्यकाल 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक।
17वें नंबर पर आरएन मल्होत्रा, इनका कार्यकाल 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990 तक। 18वें नंबर पर एस वेंकटरमण है, 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992 तक इनका कार्यकाल रहा है। 19वें नंबर पर है सी रंगराजन, इनका कार्यकाल 22 दिसंबर 1992 से 21 नवंबर 1997 तक। 20वें नंबर पर है बिमल जलान, इनका कार्यकाल 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003 तक। 21 नंबर पर है बाई बी रेड्डी, 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008 तक। 22वें नंबर पर डी सुब्बा राव है, इनका कार्यकाल 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013 तक। 23वें नंबर पर रघुराम राजन है, इनका कार्यकाल 4 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016 तक 3 वर्षों का रहा। 24वें नंबर पर उर्जित पटेल, इनका कार्यकाल 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक। एवं 25वें नंबर पर है शशिकांत दास, इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 2018 से अभी तक यह पदासीन बने हुए हैं। तो यह थे भारत के आरबीआई के गवर्नरों की सूची और कुछ ध्यान देने योग्य बातें, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सर्वाधिक समय तक काम करने वाले व्यक्ति बेनेगल रामाराव थे। वह 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक कुल 7 वर्ष 197 दिनों तक अपने पद पर कार्यरत थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सबसे कम समय तक काम करने वाले व्यक्ति अभिकांत अभिताभ घोष थे। वह 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक कुल 20 दिनों तक अपने पद पर कार्यरत थे। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है यह लेख आपको पसंद आया होगा। आप सभी को किसी बात की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। साथ ही अगले वीडियो में हमारा टॉपिक भारतीय रिजर्व बैंक क्या है रहेगा। साथ ही आप पायल आईएएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।